ऑक्सीडेशन मेथड से किसी रिएक्शन को बैलेंस किया था ऑक्सीडेशन मेथड में एसिडिक मीडियम से, आज हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड से बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। लेकिन उस बेसिक मीडियम में बैलेंस करने से पहले एसिडिक मीडियम का ऑक्सीडेशन मेथड से एक और क्वेश्चन, क्योंकि ऑक्सीडेशन मेथड में एसिडिक मीडियम से ही बेसिक मीडियम में हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हमारा ये जो सिलेबस है, ये हमारा क्लास जो है लेट स्टार्ट हुई है, इसलिए हम बैच वन बैच टू से थोड़ा पीछे हैं, ठीक है ना। लेकिन टेंशन मत लेना, हम उनसे दिमाग में आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन मेथड से, सॉरी एसिडिक मीडियम डाल दिया मैंने, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम यहां थोड़ा लिख देता हूं, बेसिक मीडियम, हम बेसिक मीडियम में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में समझने से पहले एक क्वेश्चन मैं फिर से देता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को बैलेंस करिए। MnO4 1 नेगेटिव प्लस H2O3 2 नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू SO3 प्लस MnO2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको पहले बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करना है? एसिडिक मीडियम से जैसे कल हमने बैलेंस किया था वैसे बैलेंस करना है। तो इस एक क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करके आपको दिखाएंगे। तो नाउ बैलेंस द ऑक्सीडेशन मेथड इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस करो इसको एडजस्ट जैसे हमने आपको सिखाया था कल। और बताएं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एच प्लस आयंस आर एडेड इन विच साइट, ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर मैं लिख देता हूं, ये प्लस 7 के साथ है, ये वाला 3 × 2 = 6, 2x - 6, देखो 2x - 6 = -2, 2x = +4, x = +2, ठीक है ना। सो +2, इधर सल्फर +6 के साथ, इधर एमएन +4 के साथ, ये वेरिएशन है, देख लो भाई। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत निकाले ना तुमने तो सब गड़बड़ हो जाएगा यहां। Mn का +7 से +4, जल्दी से और मुझे बताओ कि कितने H प्लस आयन अवेलेबल हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयंस। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी लोग मैच कर लीजिएगा, +7 से +4 कितने का डिक्रीमेंट, 3 का डिक्रीमेंट, लेकिन एक एटम है इसलिए N2 = 1 = 3। कल की बात याद करिए, जिसने भी प्रैक्टिस की होगी 1 घंटे इन क्वेश्चंस में 100% वो सॉल्व कर पाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। सल्फर का यहां 2 है, यहां सल्फर का 6 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो +2 से +6 कितना वेरिएशन, 4 का, +2 से +6 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 4 कितने एटम है, 2 एटम है ना, N2 = 8। देखो जरा ये सिचुएशन होती है, 3 और 8, उसके बाद कॉमन लीजिए, कल रूल लिखा दिए थे मैंने, 10H+, बात करते हैं, पार्थ का कहना है 10H+, कुछ बच्चों का कहना है 18H+, 3 और 8 कोई कॉमन नहीं है, 8 का यहां मल्टीप्लाई करना होगा और 3 का यहां मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस दी ऑल एटम्स, Mn 8 है तो Mn का 8 है, सल्फर का 3 × 2 = 6 है तो सल्फर का 6 है, देखिए 3 × 2 = 6, 6 सल्फर के एटम है, 6 सल्फर के एटम है। नाउ बैलेंस Mn एंड S, नाउ द लास्टली, सॉरी 14H, चलो देख लेते हैं, लास्टली ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, इधर 8 × 4 = 32 ऑक्सीजन, इधर 3 × 3 = 9 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 41 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड 41 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड देखो 6 × 3 = 18 और 8 × 2 = 16 कितना, 34 ऑक्सीजन है, इधर 34 ऑक्सीजन है, इधर 41 ऑक्सीजन है, क्या करें, उधर कितने ऑक्सीजन कम है, 7 ऑक्सीजन कम है, तो 7 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, +7H2O, क्या ये बात समझ पा रहे हो, 7H2O। नाउ बैलेंस दी ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन कम थे ना, 34 में 7 ऐड करोगे 41 आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 34, तो 7H2O भाई 7 ऑक्सीजन कम है यहां पे। अब उसके बाद क्या करना होगा मुझे, लास्ट में हाइड्रोजन, 7 × 2 = 14, इधर कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 14H+। नाउ इट इज द बैलेंस इक्वेशन, 14H+ बिल्कुल सही निकाला, यस 14H+ बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों का 14H+ आया, इसका मतलब उनका दिमाग सही डायरेक्शन में सही काम कर रहा है,
कल आपने प्रैक्टिस की है, लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है प्लीज वो प्रैक्टिस करें। 59, तो 59 में आंसर हमारे पास केवल तीन चार के आए हैं, लेकिन होपफुली आप सभी का सही होगा, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया, बस इसी एसिडिक मीडियम को हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लेंगे, कोई नया मेथड अप्लाई नहीं करेंगे हम। वैसे एक नया मेथड होता है, लेकिन हम जबरदस्ती आपके दिमाग में नया मेथड नहीं डालने वाले। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में करना है तो आप पहले एसिडिक मीडियम में कर लो और उसके बाद इसी को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। जरा देखो ये हटा देते हैं, है ना, बैलेंस तो हो ही गया, ये भी हटा देते हैं, सब कुछ बैलेंस तो हो ही चुका है। जितने H+ H+ आयन कितने हैं, देखो बेसिक मीडियम का मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, OH- ऐड करना पड़ेगा ना, बेसिक मीडियम का मतलब OH- ऐड करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि 14H+ इधर लिखे हैं ना, तो जितने H+ मतलब आपको हेडिंग क्या डाली थी बेसिक मीडियम, तो आपको क्या लिखना होगा, वी हैव टू ऐड इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वी हैव टू ऐड द सेम OH आयन कंसेंट्रेशन एज एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। जितनी एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन है उतने ही OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन वी हैव टू ऐड इन बोथ हैंड साइड। ध्यान रखिएगा, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, जैसे कल पूरे लेक्चर में सीखा था, 14H+ आ गया, उसके बाद कितने H+ है, 14, तो 14 OH माइनस वी हैव टू ऐड इन बोथ हैंड साइड, लेफ्ट भी और राइट भी। अगर वहां 10H+ होते तो 10 OH माइनस इधर, 10 OH माइनस इधर, उधर एक एच प्लस होता तो एक OH माइनस उधर, एक OH माइनस उधर। चलो देखो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इधर क्या जोड़ना होगा, 14 OH माइनस, और इधर क्या जोड़ना होगा, 14 OH माइनस। जरा ढंग से देखिएगा, 14 OH माइनस क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि 14 H+ है। बेटा सर प्लीज अपलोड ऑल द वीडियोस, मैं करूंगा, अभी का लेक्चर तो कर लो अभी का जरूरी है, मैं ये सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना, मैं वो भी करूंगा। पहले देख लीजिए आप, 14H+ है इसलिए हमने क्या किया, 14 OH- उधर 10 होता तो 10 OH- 10 OH- भाई बेसिक मीडियम का मतलब एसिडिक में करो, ये एक सबसे अच्छा और बढ़िया मेथड है। तो अब जरा इसको सॉल्व करो, भाई देखो 14 OH से 14 OH कैंसिल हो जाएगा, भाई बराबर की चीजें कैंसिल हो सकती है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए, तो रिएक्शन वही लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जरा देखो अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 14H प्लस 14 OH माइनस क्या होता है, एक एच प्लस आयन और प्लस एक OH माइनस आयन बराबर क्या होता है, एक पानी, एक एच प्लस एक OH माइनस एक पानी। अच्छा अगर मैं कहूं 2H प्लस प्लस 2H माइनस तो क्या हो जाएगा, 2H2O, 3H प्लस 3OH माइनस 3H2O, 4H प्लस 4OH माइनस 4H2O, वैसे ही 14H प्लस 14 OH माइनस इज व्हाट, 14H2O। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हमने जितने H+ आयन, ये समझाने के लिए लिखा है, जितने H+ आयन हैं अगर उतने ही OH- आयन जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, देखो 14H2O हो जाएगा ना, 14H2O प्लस ये वापस वैसे लिखो 8MnO41 नेगेटिव प्लस 3H2O3 माइनस 2 एंड इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, 6SO3 प्लस 8MnO2 प्लस 7H2O प्लस 14OH- माइनस। जरा देखो ये बात समझ पा रहे हो, 14H2O हमने ऐड करके लिख दिया, पूरी रिएक्शन वही है। अब इक्वल ये जो एरो का साइन है इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, देखिए उधर है 7H2O और इधर है 14H2O, तो क्या करें, 7H2O से 7H2O कैंसिल हो जाएगा, H2O सेम साइड होंगे तो ऐड होंगे, लेकिन अपोजिट साइड होंगे तो कैंसिल आउट होंगे, तो ये 7H2O इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 7H2O, 7H2O प्लस 8MnO41 नेगेटिव प्लस 3S2O3 माइनस 2 इट कन्वर्ट्स इनटू 6SO3 प्लस 8MnO2 प्लस 14OH माइनस। नाउ इट इज फाइनल आंसर इन बेसिक मीडियम। ये मतलब ओवरऑल किया कुछ नहीं हमने, समझ लो किया कुछ नहीं हमने, हमने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को ही रखा, जितने H+ थे उतने ही OH- ऐड कर दिए, तो 14 इधर ऐड करोगे, 14 इधर ऐड करोगे, जितने H पे उतने OH ऐड करोगे, हमेशा पानी बनेगा, ये तो हमेशा पानी बनेगा ना, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 7H2O बाई 2। नहीं वो देखो अभी ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है ये हमने H+ से बताया है, ये सबसे अच्छा मेथड है, इससे आप नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, सेम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो जितने H+ है उतने OH- ऐड करके तो वो उतना ही पानी बन जाएगा, तो जितना 14H2O पानी बना और 14H2O इधर और 7H2O ऑलरेडी इधर था, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर 7H2O बचेगा,
तुम चाहो तो इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो, चेंज सेम है दोनों तरफ, चेंज सेम है दोनों तरफ, वो बाय चांस की बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होगा, बस आप इतना ध्यान रखो, अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 14H2O, 14H2O से 7H2O कैंसिल हुआ, इधर बचा 7H2O और बाकी एज इट इज क्वेश्चन। तो OH- आयन इधर कितना आया, 14OH- इधर आए और 7H2O इधर आए। तो पहले इस रिएक्शन को मैं आपसे कहूंगा बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो ऑक्सीडेशन मेथड में बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो पहले एच प्लस आयन वैसे ही सॉल्व कर लो और उसके बाद उतने ही OH- आप अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट करिए और फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट, एक काम करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन को नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी बहाने आप दूसरा क्वेश्चन भी समझ जाओगे ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप अगर मान लिया सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है, Cr2O7-2 प्लस H2S, कल एक क्वेश्चन लिया था हमने सल्फर, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया हमने CrOH का होल थ्राइस, ठीक है ना ये। और मैंने कहा कि आपको क्या करना है, बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अभी मैं सारा डिस्प्रोपोर्शन शो आगे सब आएगा, सबका बैलेंसिंग बताऊंगा, पहले आप इसको समझो। नाउ द बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था ना, तो हम उतनी जल्दी आपको जल्दी जल्दी भगा नहीं सकते, एग्जांपल्स देके आपको समझाना पड़ेगा। आपको पहले एसिडिक मीडियम एज यूजुअल जैसे बैलेंस करते थे, देखिए क्वेश्चन पूरा वैसा ही है, रिपीट करेंगे हम, एसिडिक मीडियम में जैसे बैलेंस करते थे बैलेंस करो और एच प्लस आयन निकालो, और फिर हम H प्लस आयन के बराबर ही OH माइनस ऐड करेंगे, वाटर बनाएंगे और कैंसिल आउट करेंगे एंड इट बिकम्स फाइनली बेसिक मीडियम रिएक्शन। सॉल्व इट, सर YouTube पे स्टार्टिंग से सारे वीडियो डालिए। हाँ बेटा स्टार्टिंग से ही डाले मैंने, मोल कॉन्सेप्ट का 1 डाला है, फिर 2 डाला है, फिर 3 डाला है, फिर 4 डाला है, आगे की कंटिन्यूटी में ही सेम रहेंगे, स्टार्टिंग से ही रहेगा वो बेटा सब कुछ। यही कारण है आपके बैकअप के लिए रखा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं इस वजह से डाल नहीं पा रहा हूं। देखिए बैलेंस करता हूं, CR का प्लस 6 होता है, इसका माइनस 2 होता है, इसका 0, और क्रोमियम का प्लस 3, OH के माइनस 1 प्लस 3, ठीक है ना। अब देखो क्रोमियम प्लस 6 है प्लस 3, कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 3 का, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। भाई ये सब बेसिक बातें हैं, मैं समझता हूं आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। ये माइनस 2 से 0, इंक्रीमेंट 2 का इंटू 1, क्योंकि एक ही आइटम है इसलिए 2, तो 2 वन जाए 2 और 2 3 जाए 6, हमने कहा था कॉमन लेने के लिए, कॉमन नहीं लोगे तो हालांकि ध्यान रखना गलत नहीं होगा, बाद में फिर 2H प्लस शांतनु, ठीक है ना। देखते हैं तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 1 नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ो, तो क्रोमियम के 2 हैं, तो क्रोमियम के 2, देखिए ना क्रोमियम Cr2 2 है, सल्फर के 3 है तो सल्फर के 3 बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन, इतना तो आसान है यार, ये ऑक्सीजन कितना 7 और इधर कितना है OH का थ्राइस है, OH का थ्राइस, लेकिन थ्राइस का 2 से मल्टीप्लाई, 3 6 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, ये समझ पा रहे हो ना, 11H2O। देखते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 3 6, यहां 6 ऑक्सीजन है और यहां 7 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या जुड़ेगा, इधर एक वाटर जुड़ेगा। देखो अब देखो 2 3 6 ऑक्सीजन, 7 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस। उसके बाद क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, लेकिन ये भी तो हाइड्रोजन है, 3 2 6, तो 6 2 8 8 हाइड्रोजन इधर हैं, और इधर कितने हाइड्रोजन है 6, तो 6 हाइड्रोजन इधर है, मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, डेफिनेटली 2H+। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने एकदम सही निकाला है, 2H+ इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
समझ गए, 2H+। अच्छा अब क्या करना है, ये तो एसिडिक मीडियम में हो गया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एच प्लस के पहले मैं एक्स लगा दूं, इधर वाई लगा दूं, इधर जेड लगा दूं, और मैं पूछूं एक्स वाई जेड क्या है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, 2H+ इधर क्या ऐड करो, 2OH-। देखिए बिल्कुल 2H- इधर ऐड कर दो, और इधर क्या ऐड करोगे, +2OH-। ये बेसिक मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में अब क्या करना है, 2H+2H- क्या हो जाएगा, 2H+2H- क्या हो जाएगा, 2 वाटर। तो मैं इसको रख करके 2 वाटर लिख दूं यहां पे। आप नई क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है ना। 2H+2H- मैं यहां रब कर रहा हूं, इसको रब करके मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 2H+2H- 2 वाटर लिख सकता हूं, 2 वाटर। अब आप देखो वाटर से वाटर कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यस, उधर 1 वाटर है, इधर 2 वाटर है, तो क्या करेंगे, इधर का उधर का 1 वाटर, ये पूरा कैंसिल, उधर का 1 वाटर भाई, 1 वाटर से 1 वाटर कैंसिल होगा, तो 1 वाटर हट जाएगा यहां से, 1 वाटर बचेगा। नाउ इट इज फाइनल आंसर इस पूरे रिएक्शन में, 2OH- एट राइट हैंड साइड, यानी 2OH- राइट हैंड साइड पे कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप अपने लेवल पर अपने मन से सॉल्व करके दिखाओ। दो क्वेश्चन मैंने समझा दिए, है वही कंसेप्ट एसिडिक मीडियम का ही, ठीक है ना, बस उसी में OH- ऐड करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप अपने लेवल पर सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए, HNO3+C2O42 नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए आप थोड़ा सा फास्ट भी करिए, अगर समझ में आ गया है तो रिएक्शन को फास्ट। अब आपको क्या बताना है, आपसे मैं एच प्लस आयन नहीं पूछ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं OH- कितने होंगे, ये -2, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ OH- आयन आर प्रेजेंट, ठीक है ना। चलिए बताइए, टुडे वीडियोस वाज अमेजिंग, गुड। आज मैंने एक टाइम टेबल पर वीडियो बनाया था, ये सोच के कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, और 6 आवर्स की स्टडी बनाई है, आगे आने वाले समय में 8 आवर्स का प्रॉपर एक टाइम टेबल दूंगा मैं, लेकिन पहले हैबिट डालो 6 घंटे की, टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम है। अब आप देखो मैं सॉल्व करता हूं, आप देखो मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। मैं जबकि समझा के सॉल्व करता हूं, अगर अपने लेवल पर सॉल्व करूं तो 20-30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो टाइम जरा देखो क्या करना है, नाइट्रोजन का +5 और नाइट्रोजन का +4, कुछ लोग यही गलती कर देते हैं, अब यही गलती कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा। कार्बन का +3, इस कार्बन का +4, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का +5 से +4 एक का इंक्रीमेंट इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन का +3 से +4 कितना इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट हो गया, +3 से +4 एक, लेकिन 1 × 2 2 का देखो, ठीक है ना। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई और 1 का इधर मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस किया। उसके बाद ऑक्सीजन 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 10, तो लेफ्ट हैंड साइड 10 ऑक्सीजन है, 2 × 3 = 6 और 4 6 = 4 = 10, इधर कितना है 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4 4 × 4 = 8, तो उधर 10 है इधर 8 है, तो 2H2O, ठीक है ना। 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 10, 10 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, 20H+ देखते हैं, 20OH-, अच्छा 2OH- देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 8, 8 और 2 = 10, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो कितने, 2 × 2 = 4 और इधर 2, ठीक है ना, तो 2H+। देखिए उधर 2 × 2 = 4 है और इधर 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो 2H+। तो 2H+ का मतलब क्या हो जाएगा, इधर क्या जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा 2OH-, ठीक है ना, और इधर 2H+ और 2OH-, फाइनली क्या इधर 2 वाटर होगा ना, और 2 वाटर से 2 वाटर, देखो पूरा कंप्लीटली 2 वाटर से 2 वाटर पूरी कंप्लीटली कैंसिल, अब कोई पानी बचेगा ही नहीं इसमें, और फाइनली 2OH- एट राइट हैंड साइड, 2OH- एट राइट हैंड साइड।
क्या समझ पा रहे हो? इट इज बैलेंसिंग बाई ऑक्सीडेशन मेथड इन बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम होपफुली आप समझ गए हो, बेसिक मीडियम आप होपफुली समझ गए हो, ठीक है ना. हालांकि इसमें मैं और भी टफ क्वेश्चंस, एडवांस लेवल पर और भी टफ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड मेथड पूरा कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आ रहा है. 50-50% अंडरस्टूड, 50% आ गया है ना, बाकी का 50% तुमको तब आएगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे. ये जो लास्ट स्टेप मैं यहां कर रहा हूं ना, सब जगह हर जगह सेम ही है. कुछ बच्चों को 100% समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को 50, कुछ बच्चों को 85. भाई देखो, ये तुम समझो, इधर दो पानी इधर टू वाटर, तो टू वाटर कैंसिल हो गया ना. भाई एक बात बताओ, कहीं अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और इधर लिखा है एक्स प्लस 10, तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बराबर की चीजें कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी. तो मैथ्स का फंडा है, तो वही 2H2 और 2H2, ये एरो का मतलब बराबरी का साइन होता है. अगर बराबर की चीजें हैं तो कैंसिल होंगी. भाई इधर 2H2O प्लस है तो 2H2 उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो 2H2O में 2H2O हो जाएगा. वेरी गुड, 2000% समझ में आ गया है. वेरी गुड, कुछ बच्चों को तो बहुत ज्यादा ही समझ में आ गया है. वेरी गुड, चलो आगे बढ़ेंगे. जितने क्वेश्चंस हमने दिए हैं, अब आपका होम असाइनमेंट देख लो. जो हमने आपको डीपीपी दी है, कल डीपीपी दी थी हमने, उसमें ए टू एन ऑक्सीडेशन मेथड से सॉल्व करना है आपको. 5 क्वेश्चन शुरुआत के बेसिक मीडियम में सॉल्व करिएगा, सारे एसिडिक मीडियम में सॉल्व करिएगा, ये आपका आंसर, मतलब आपका अपना पर्सनल है. उसके बाद 5 क्वेश्चन ए बी सी डी ई मतलब ए टू ई बेसिक मीडियम में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना. आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट और है, बैलेंसिंग ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अगला हेडिंग डालिए, बैलेंसिंग ऑफ द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाए उसको कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे. जैसे मान लिया रिएक्शन लिखी हुई है ये P4 प्लस NaOH, ठीक है ना, इट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट नाम है, ये फॉस्फीन, ये रिएक्शन है. हमने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, और यहां पर पीक ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. तो देखो, 0 से -3 क्या हो रहा है, रिडक्शन, और 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं ना, आप हिट एंड ट्रायल करो, तो बिलीव मी आप आधे घंटे तक लगे रहोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे. और बाई चांस, क्योंकि रिएक्शन छोटी दिखी है ना हमने, इसलिए आप बैलेंस भी कर लोगे. रिएक्शन अगर बड़ी लिखूंगा ना अभी, मैं पूरी फुल बोर्ड पे लिखूंगा, एक इस यहां से वहां तक आएगी नहीं, इतनी बड़ी रिएक्शन होगी, ठीक है ना. धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम, बस आपको समझते चलना है सारी चीजें. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, अब यहां पर क्या था, वहां दो इंटरमोलिकुलर थी ना, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, यहां तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर तो हमारे पास ये है कि इसी पी फोर में वैसा है और इसी पी फोर से ऐसा है. तो जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, तो बैलेंस करने की पहले एसिडिक मीडियम करेंगे और एसिडिक को ही बेसिक बना लेंगे, वो सेम फंडा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैन वी इंटरचेंज द साइड, नहीं इंटरचेंज नहीं कर सकते अभी, बिल्कुल इंटरचेंज नहीं करेंगे. अगर इंटरचेंज करेंगे वो कंडिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, रिएक्शन आपको ऐसे ही दी जाएगी. अगर आप उसको चेंज भी करोगे तो -3 से 0 और +1 से 0, तो उससे आउटपुट नहीं आएगा. तो आपको क्या करना है, यहां पर बस एक ही ऑप्शन है, इस पी फोर को हम दो बार यूज करेंगे. देखो कैसे, इस पी फोर को हम दो बार यूज करेंगे, पी फोर प्लस पी फोर NaOH इट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2. ऐसा क्यों किया हमने, आप सोच रहे होंगे दो बार क्यों, एक काम करो आप हाफ हाफ लिख लो, हाफ इधर और हाफ इधर, तो हाफ हाफ मिला के एक हो जाता है ना. या आप दो बार भी लिखोगे तो फाइनली पी फोर प्लस पी फोर 2P4 हो जाएगा, फाइनली हम रिएक्शन को बैलेंस ही तो कर रहे हैं. तो आप ऐसा मत सोचना कि हमने इसको एक को दो बार लिखा, आप दो बार तीन बार चार बार जितनी बार चाहो लिख सकते हो, क्योंकि हम प्रॉपर बना पाएंगे ना कि इससे ये वाला और इससे ये वाला, हम प्रॉपर चेंज कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन. और बाद में P4 क्या होगा, वो एड होकर 2P4 हो जाएगा या 3P4 जो भी हो जाए, तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगा कोई भी. तो जब भी इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, तो पहले चेक कर लो डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं, फिर आप उसको दो बार लिख लीजिए. और अब देखिए, इसका जीरो, इसका जीरो, 0 से -3, तो 0 से -3 क्या हो गया, 0 से -3 रिडक्शन वाला हो गया, और 0 से +1 ये +1, तो 0 से +1 वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन वाला हो गया. तो एक रिडक्शन वाला एक ऑक्सीडेशन वाला, वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं भाई, दो पता चल जाते हैं, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला, तो उसको उसी में बैलेंस कर लो.
कैसे? देखो अब तो कर पाओगे ना, जीरो जीरो से माइनस थ्री रिडक्शन, और जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन, वैसे जैसे लिखते थे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में। तो जीरो से माइनस थ्री कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? तीन का, लेकिन थ्री इंटू कितना? चार, ये ध्यान रखना, इंटू फोर 12 का। इस पी फोर में देखो जीरो और जीरो से प्लस वन, वन इंटू फोर इज इक्वल टू फोर, फोर से मल्टीप्लाई किया ना, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। अब पहले कॉमन ले लो इससे, फोर वन जा और फोर थ्री जा, तो वन और थ्री, तो थ्री का इधर मल्टीप्लाई करोगे और वन का इधर मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये फोर है ना, ये फोर इसका है, ये ट्वेल्व इसका था, तो वन और थ्री, फोर थ्री का ट्वेल्व, तो वन का इधर मल्टीप्लाई, थ्री का इधर मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना सभी? हाँ भाई, वीडियो पॉज तो नहीं हो जाता है ना, ऑडियो ब्रेक तो नहीं होती है ना? अगर ऑडियो ब्रेक हो गई या पॉज हो गया तो फिर आपको समझ में आ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यही कारण है कि मैं एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, है ना? ठीक है, तो उससे क्या होगा आप समझ पाओगे। तो आप देखो, अच्छा किसको किसमें बैलेंस करना होगा? इसको इसमें ही बैलेंस करना होगा, ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि आप जोड़ देना पहले इसको, भाई रिडक्शन वाले को रिडक्शन में बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन में बैलेंस करो। तो रिडक्शन में देखो इधर पी फोर है, तो इधर क्या है? पी एक है, तो इधर चार है, तो इधर चार कर दो आप ऐसे, चार, ठीक है ना, चार। इधर देखो थ्री फोर जा ट्वेल्व है, तो इसको क्या करोगे? थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो यहां ट्वेल्व करो ऐसे, देखो ऐसे, है ना। इधर थ्री फोर जा ट्वेल्व है, तो इसको किसमें करोगे? इधर थ्री फोर जा ट्वेल्व पी, ट्वेल्व पी इधर, ट्वेल्व पी इधर, पी फोर इधर, पी फोर इधर। तो जिसका जिसमें वेरिएशन हो रहा है उसको उसी में बैलेंस करोगे। इंटरमोलिकुलर का यही कंसेप्ट था कि भाई रिडक्शन जिसमें, तो इसको रिडक्शन में बैलेंस करो, ये ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन बैलेंस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, इधर तो एक ही है, इधर देखो कितना है, कितना है? 12 और 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, इधर 24 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है? अच्छा अभी एनए तो बैलेंस ही नहीं है, पहले एनए भी तो बैलेंस कर लो। हमने क्या कहा था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस करे जाएंगे। तो पी बैलेंस हो गया है, लेकिन एनए बैलेंस नहीं है, एनए यहां पर 12 है, तो यहां पर एनए भी 12 करना पड़ेगा भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस करने पड़ेंगे ना। तो पी बैलेंस है और एनए बैलेंस है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 12, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 24। तो क्या करें, इधर 12 ऑक्सीजन कम है, तो इधर क्या जोड़ दो? 12H2, 12H2 जोड़ दिया, ये वन नहीं भी लिखोगे चलेगा, है ना, 12H2। तो 12 ऑक्सीजन उधर, 12 24 ऑक्सीजन इधर, 24 ऑक्सीजन इधर। अब हाइड्रोजन देखो कितना है लास्ट में, 12 इंटू टू 24 हाइड्रोजन यहां है, और यहां 12 हाइड्रोजन ये, और 24 हाइड्रोजन ये, अच्छा ये भी है 12, 4 थ्री 12, 12 हाइड्रोजन और 12 टू द 24, तो 24 और 12 36 हाइड्रोजन है। इधर कितने हैं? 24 और प्लस 12 36। नाउ हाइड्रोजन आर सेम, मतलब H प्लस जोड़ने ही नहीं पड़े, और जब H प्लस नहीं जुड़ेगा तो OH माइनस कहां से जुड़ेगा? मींस न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन बैलेंस होगी, इट इज इन न्यूट्रल मीडियम। और अब जरा देखो रिएक्शन को प्रॉपर लिखता हूं मैं, प्रॉपर कैसे लिखोगे? 3P4 प्लस P4 क्या हो गया? 4P4, ठीक है ना, प्लस 12NaOH प्लस 12H2O, इट गिव्स 4PH3 12NaH2PO2। देखो ये रिएक्शन फाइनल आई, अब देखो 4P4 आ गया ना, दिया था 8P4, 4P4 आ गया ना। अच्छा इससे आप चाहो तो चार कॉमन ले लो, देखो सभी में चार कॉमन है, तो चार कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? P4 3NaOH 3H2O PH3 3NaH2PO2। ये देखो ये वाली क्वेश्चन 2 बार आईआईटी जेई में पूछी जा चुकी है, 2 बार, एक बार तो डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट पूछे गए थे कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक बार ये पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, समझ गए? तो इट इज मतलब रिएक्शन एंड आस्क्ड इन 2 टाइम्स इन जेई, जेई में 2 बार ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको सर्च करना पड़ेगा, वो आपको ये बताएगा नहीं कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करो, आपको वहां चेक करना पड़ेगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन है या नहीं। केवीपीवाई में आता है क्या सर? यस बिल्कुल आता है, केवीपीवाई में भी आता है,
केवीपीवाई में ध्यान रखना, 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को 11th के ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन्हें पता है कि आप ये नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। तो केवीपीवाई में भी आता है, बिल्कुल सिलेबस में है। ये था ऑक्सीडेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके बाद अब एक, उसके बाद नेक्स्ट अगला टर्म बचता है हमारे पास, नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, और वो भी सबसे पहले किसमें करेंगे, इन एसिडिक मीडियम। अच्छा आप ये बात जान लीजिए कि एसिडिक मीडियम एक बार बैलेंस हो जाएगी ना, तो वैसे ही एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में करने का वही फंडा होगा जो अभी हमने सीखा है, बिल्कुल वैसे ही। और इसी को इलेक्ट्रॉन एंड मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। अच्छा हाफ रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसको आधा आधा कर दिया जाता है, और ये मेथड पहले वाले से थोड़ा लेंदी है, ज्यादा नहीं थोड़ा लेंदी है। और यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तुमको नहीं भी आते, मान लिया आप नहीं जानते ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना ऑक्सीडेशन नंबर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन से सॉल्व करना होगा, देखो जरा कैसे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, MnO2-1 प्लस H2S, इट गिव्स S प्लस Mn+2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए जेई में या कंपटीशन लेवल पर आपसे सीधे कहा जाएगा कि बैलेंस दिस रिएक्शन, तो आप कोई भी मेथड लगा लो, चाहे ऑक्सीडेशन लगा लो, चाहे इलेक्ट्रॉन आयन लगा लो, लेकिन बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन आयन से ही इसको बैलेंस करो, हमको कुछ और करना ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन से ही करना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में आपको ये जो पूरी रिएक्शन लिखी है, Mn से Mn बैलेंस होगा, सल्फर से सल्फर बैलेंस होगा, तो इस पूरी रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लोगे, इसीलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। मतलब इसको दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लोगे, और बाद में दो छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद फिर बाद में उसको ऐड कर दोगे, बैलेंस हो गए रिएक्शन। देखो कैसे, तो सबसे पहले क्या करोगे, MnO4 को, देखिए MnO4 को लेफ्ट हैंड साइड MnO4 लो, MnO4 को किसके बराबर करना पड़ेगा, अब सल्फर के बराबर तो कर नहीं पाओगे, Mn को सल्फर से कैसे बैलेंस करोगे, तो Mn को बैलेंस करना पड़ेगा Mn+2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, इसलिए क्योंकि वाटर हम जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगा, हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी रिएक्शन क्या होगी, H2S को किससे बैलेंस करोगे, सल्फर से। बस ये दो रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल आंसर, बस इतना सा काम है ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। अब बैलेंस देखो कैसे करोगे, बैलेंस वही सिंपल जैसे हमने क्या करते थे ऑक्सीडेशन मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो करते थे वो काम यहां करना है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है और कॉमन नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसके बाद प्रोडक्ट को बैलेंस करना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस करो, देन ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, देन हाइड्रोजन बाय एडिंग, यस हिट एंड ट्रैप कह सकते हो, बिल्कुल। Mn1 है बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां 4 है, तो यहां क्या करोगे, प्लस 4H2O। लास्ट में क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन, 4 2 8 क्या आ जाएगा, 8H+। हाँ भाई, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड मेथड ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे, जरा देखो यहां 8 8, बहुत ढंग से समझना, बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आने वाला, मुझे पक्का पता है, एक बार में बिल्कुल नहीं समझोगे। कॉफिशियंट 8 है और ऊपर चार्ज कितना है, +1, तो 8 × +1 कितना आया, +8, समझना, 8 × +1 + 8, और इस पर क्या आया, 1 × -1 - 1, 1 × -1 - 1, और इधर 8 × +1 + 8, तो +8 - 1 कितना, +7, इधर +7 वैल्यू है, जरा देखो इधर +7 वैल्यू है, क्या ये बात समझ पा रहे हो, 8 × +1 + 8, 1 × -1 - 1, तो -1 + 8
प्लस सेवन वैल्यू इधर इलेक्ट्रॉनों की है, मतलब इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। इधर देखो क्या है, वन इंटू प्लस टू, इधर प्लस टू वैल्यू है, देख लो भाई इधर प्लस टू वैल्यू है इलेक्ट्रॉनों की और इधर इलेक्ट्रॉनों की प्लस सेवन है। अच्छा इलेक्ट्रॉन तो आप सोच रहे हो माइनस में होता है, लेकिन यहां पर वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन मान लो उनको, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उधर प्लस सेवन है इधर प्लस टू है, बराबर करना है। तो क्या करें, क्या करें बराबर करने के लिए, तो एक काम करो इधर फाइव इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। देखो भाई फाइव इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया तो सात में से पांच इलेक्ट्रॉन माइनस के जाएंगे, तो दो प्लस के बचेंगे, वही दो के दो बराबर हो जाएंगे, ये समझना होगा। तो 5e माइनस चाहे इधर जोड़ दो चाहे 5e प्लस उधर जोड़ दो, यानी कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये प्लस सेवन हमने समझ लिया और इधर प्लस टू हमने समझ लिया, हमने 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब जरा देखो क्या है यहां पर सिचुएशन क्या है, 8 प्लस के 1 माइनस का, प्लस का 7 और प्लस के 7 में 5 माइनस के, तो प्लस का 2 इधर बचा प्लस का 2 उधर बचा, नाउ बैलेंस। क्लियर हो रहा है, समझो जरा इस बात को बहुत अच्छे से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये वाला आपको जोड़ना आ गया तो फिर आप आसानी से काम कर पाओगे, ठीक है ना। 8 प्लस 1 और माइनस 1 तो प्लस 7 और प्लस 7 में माइनस 5 जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 तो प्लस 2 इधर बचेगा और प्लस 2 ऑलरेडी इधर है, नाउ बैलेंस। ऐसे नीचे वाले में देखो ऐसे एक है ऐसे एक है, ऑक्सीजन है नहीं अब हाइड्रोजन है तो 2H प्लस है ना। अब 2 प्लस 2 इधर है, प्लस 2 इधर 0 है उधर प्लस 2 है, तो क्या करोगे उधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, प्लस 2 माइनस 2 0 और 0, नाउ इट इज द बैलेंस्ड। अब क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कुछ इस तरीके से ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाली रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहां पर यहां इसको रब कर देता हूं, यहां पे करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा इसमें है ना। तो ऊपर वाली रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 2 से, और नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएंगे, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जरा ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस प्लस कितना 2MnO4 नेगेटिव इट गिव्स, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। देखिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5H2S कितना 5S प्लस 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 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जब दोनों को ऐड करोगे तो 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि एरो इधर उधर है ना। और फाइनली क्या हो गया, कुछ और देखो कैंसिल हो रहा है, 10H प्लस 16H प्लस, यस 16H प्लस और 10H प्लस, तो इधर 10H प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, कितना बचेगा 6H प्लस, और 6H प्लस के पहले इधर लिख देते हैं 2MnO4 नेगेटिव है ना, और प्लस 5H2S इट कन्वर्ट्स इनटू 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5S। क्लियर, तो नाउ इट इज फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम है ना, थोड़ा लेंदी, और अगर आप ऑक्सीडेशन मेथड से इसको बैलेंस करोगे तो रिएक्शन यही आएगी, सेम डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर बोर्ड में आया तो आपको यह मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसी को कह दिया मैंने बेसिक मीडियम में करो तो क्या करोगे, 6H प्लस इधर 6OH माइनस उधर और 6OH माइनस उधर, इधर पानी बन जाएगा, वाटर से वाटर अगर कैंसिल हो तो करिए अदरवाइज लिख दीजिए। तो नाउ बेसिक मीडियम, टेल अबाउट द बुक। देखो बेटा अभी आप कोई बुक मत खरीदो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको अच्छे से समझो, क्योंकि अभी बुक खुलेगी भी नहीं, अभी शॉप्स नहीं खुलेंगी। नारायणा पैकेज में हम क्या करेंगे, नारायणा पैकेज का हम आपको एक पूरा वो PDF बना के भेज देंगे, उसमें थ्योरी भी होगी उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, नारायणा पैकेज को हम आपको PDF बना के भेज देंगे। अभी आप बुक मत खरीदें, या किसी के पास अगर पढ़ी हो तो OPT टंडन जो है बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला कंसेप्ट जो है वो ओवर होता है, और ये ध्यान रखिएगा यहां से हमने बैलेंसिंग आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझा दी है। अब मैं नेक्स्ट टर्न पर क्वेश्चन के लेवल को और ऊपर ले चलूंगा। अब सोचो मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आप क्या समझ पाओगे इसको, सिलेबस तो मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसलिए हमको ध्यान रखना होता है इन चीजों को। और अच्छा हां एक बात और, मोलैलिटी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, अगर आपके पास कोई बुक है
या अगर आप अभी पढ़ सकते हो तो आप अपने लेवल पर अपने लिए इसको पढ़ लीजिए। मैं इतनी जल्दी कवर नहीं करूंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है और जेई में पूछा जाता है, मोलरिटी मोलरिटी का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉर्मलिटी मोलरिटी मोलरिटी इनको समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए वो टॉपिक मैंने बाद में लिया है, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से मार्क्स लेके आइए। जितना हमने पढ़ा दिया है उतने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। जो नहीं पढ़ाया डोंट वरी, अभी आप टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। हर मंडे टेस्ट होगा, धीरे धीरे करके हम कॉपअप करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।